बड़े काफी रुपए लगाए जी, कम से कम नहीं तो 20 लाख रुपए लगाए थे। हाँ जी साथी, तगड़ा सामान दिया जी, चीजें दी, सारी चीज दी गई है। ये कैसे क्या हादसा हुआ बताओ? ये तो जी पता नहीं, उनके पास कोई खबर आई थी जब ये गए थे, वास्तव मारी गई है। आप में लग रहे? हाँ जी पक्का, पक्का। हाँ जी, राम राम जी सारे ने। मैं दिनेश देशवाला पहुंचे, जाल गांव में पहुंचे हैं, और रिवाड़ी क्षेत्र का गांव है जाल। और यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे मामले आ रहे, निकल गए, मीडिया को बुलाया गया, क्योंकि काफी गमगीन मामला है। बेटी की शादी की जाती है, लाड चाव से पाला जाता है बेटी को, और फिर देखो क्या होता है, बहुत बुरी बुरी दशा कर दी जाती है बेटे की। ऐसी ऐसी दशा हम सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बैठ के हम उनकी माता के जी के पास बैठे हैं, जो लड़की थी, पूछेंगे कहाँ शादी हुई, कैसे क्या हुआ मामला, पूरा मामले की जांच इनके परिवार वाले बताओगे, और ये पड़ोसी बैठे हैं यही बताओगे। राम राम जी। राम राम जी। ये नाम साहब? रमेश कुमार है जी मेरा। रमेश कुमार? हाँ जी। तो जी केला गए, बेटी की शादी खूब धूमधाम से की, बड़े काफी रुपए लगाए जी, कम से कम नहीं तो 20 लाख रुपए लगाए थे। हाँ जी साथी, तगड़ा सामान दिया जी, सोना चांदी जो कुछ दिया है, सारी चीजें दी, सारी चीज दी गई है। फिर कैसे क्या हादसा हुआ बताओ? ये तो जी पता नहीं, उनके पास कोई खबर आई थी जब ये गए थे, वास्तव मारी गई है। आप में लग रहे? हाँ जी पक्का, पक्का। हाँ जी, हाँ जी। माँ से बात करें, क्या नाम था जी बेटी का? मोना। नाम तो लिखी मोना। अच्छा, कितनी पढ़ी लिखी थी? एमए कर रखी थी। अच्छा, फिर जो लाग रहा था, वो जिसके शादी करी नौकरी लाग रहा था, फिर शादी में उनने मांगे वो तो दे ही दिया था। तेरी बाद में कितने साल हो गए शादी? एक साल भी ना हुआ। एक साल नहीं हुआ था? और सुने बच्चा भी था पेट में? जी 6 महीने का बच्चा था। तो क्या बात लेके, कोई बेटी से बात हुई थी? मोना था आपकी? हुई थी, पहले दिन हुई थी, दिन ना हुई। पहले दिन क्या कहती मम्मी? पहले दिन रोज करिया करती बात। ये क्या करती है? क्या करती है? ये घर की बात की कर रहे हो? मांगना था तो आके बताओगे? जब ये तो बेर पाटे की बेन बेर की बेर की मांग के बाल खा दे बाल खाने। अब डेली ना बेर की किए चाल रहे हैं। बाल के काम कर रहे थे तुम्हें? अभी नौकरी पर जी? हाँ जी, फिलहाल नौकरी पर है जी। ये देखो भाई, हाल फिलहाल फौजी के घर में बैठे हैं। देखो भाई, फौजी वहाँ सरहद पर नौकरी कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे की रक्षा कौन कर रहा है भाई आज के दिन? ये देखो, एक फौजी की बेटी लाड चाव से ब्याही जाती है, जाल गांव में बैठे हम, और यहाँ से 11 महीने पहले उसकी शादी होती है, और एक बच्चा भी बताया जाता है, जिसने 6 महीने का बच्चा बताया गया। उनकी माता जी बैठी है यहाँ पास में, जो गुड़िया थी मोना, मोना लक्ष्मी की माता जी बैठी हैं यहाँ पे। उन्होंने जो बताया हमारे को कि भाई मेरी बेटी को सब कुछ दिया गया, और ये पड़ोसी हैं जो बता रहे हैं कि 20 लाख रुपए तो शादी में लगाए, और सारा जेवरात वगैरह भी दिया। हाँ जी दिया है जी, सोना चांदी की गुत्थी। क्या क्या, क्या दिया था जी बताओ? सारा परिवार की अंगूठी, चैन, सोना की चांदी की, सब माँ का, दादी का, सब सब। देखो भाई, उनकी माता जी थोड़ी बोलने में असमर्थ है, माफी चाहवांगे। और जो पड़ोसी हैं ये हमारे को मिले हैं रस्ते में, बोले भाई जी बहुत बढ़िया शादी करी गई थी बेटी की, हमारे सामने शादी हुई रही। इनका दोस्त हैं वो, जो फौजी आदमी हैं, वो फौज में नौकरी करते हैं, आसाम राइफल में, आसाम राइफल में बेचारे नौकरी कर रहे हैं, और आ रहे हैं जी, वो आएंगे घर। पुलिस ने फोन करे था, जो मार धोर कर तो क्या घटना लगी वहाँ पे बताया? वहाँ पे बस लेटा रखी थी बेड पे, ऊपर एक साल पीड़ा रखी। नहीं मैं गए नहीं, बता रही है जी, बताया पूरा दिन तक। पुलिया चैन की जो वा हो ना वायरिंग मोटरसाइकिल, उससे घेटवा मोसिया और उसके घाव पड़े हुए। निशान था? हाँ जी निशान था जी पक्का। हाँ जी बेल्ट का निशान है, थोड़ी सी पुलिस ने तस्वीर थोड़ी सी मार के बंद करा थी, साकड़ बंद की थी, बाहर की साकड़ बंद करा थी।
कौन कौन था जी बेटी के परिवार में? सास भी ससुर भी एक देवर एक खुद को बस यही और नाना तो वे कुछ पता तो हो गई वे इसको तो सी मान लो जी वैसे और परिवार ही आ गया एक घर ही तो है बंदे तो उसमें ये सब तो वे इंसान हमेशा में रह के कते ना मेरा फटे कते पता तो लगा जी तो घर सारा घर ही फटा रहा है तो क्या को आ रहा प्रशासन से देखो भाई फौजी का परिवार बैठा है ये सोना है जी हाँ वो सामान भी नहीं दिया है जी अभी से नहीं जी तुम रख रखी है और भी सामान रख रखे है सामान नहीं दिया है तो भाई काफी गमगीन मामला है फौजी के परिवार का। देखो एक लड़की की शादी करता है बेचारा फौजी पूरी उम्र की नौकरी पैसे जोड़ जोड़ के एक पैसा इकट्ठा करके हर चीज दी गई है शादी में जो बताया उनकी माँ ने लक्ष्मी की माँ बैठी है और आज आंसू नहीं सूख रहे क्यों एक जवान बेटी गई है इस घर से। देखो भाई बहुत बड़ी बात है बहुत न्याय मांग रहा है परिवार आज कह रहा है न्याय की गुहार लगा रहा है परिवार की हमारी बेटी गई है काफी गमगीन मामला है इस घर से। एक फौजी जो देश की रक्षा करता है तिरंगे की रक्षा करता है क्या उसके बच्चों की रक्षा नहीं है उनकी क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए इस परिवार को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना भाई और उस बेटी के लिए ओम शांति ओम का एक कमेंट जरूर लिखना और कम बोले को ज्यादा समझना शेयर करना भाई ज्यादा ज्यादा। वंदे मातरम भारत माता की जय। देखी थी वहाँ पर आप गए हो वहाँ पर पता लग गया जो पुलिस देखी थी बेड पे नहीं दिखाई थी बेटी आपको? हाँ पुलिस ने खोले की वर्ड। अच्छा तो कोई निशान ने सुनते बेटी के निशान सर निशान उड़ा के था दाई फिर देखना ना दिया लिकार दिया पुलिस ने। अच्छा तो बोला निशान ऐसे वो जगन हो जाएगा वो करके तो निशान थे गर्दन पे अपने निशान थे पे भी था फोटो में आ रही होगी। अच्छा फोटो खींचे आपने आंगली पे भी निशान थे आंगली भी लीली हो रही थी वो कहते इधर। अच्छा देखो भाई काफ़ी गमगीन मामला है और तीन दिन तक ये बेचारे फौजी का इंतजार करते रहे और तीन दिन पीछे दो दिन बाद तीसरे दिन अंतिम संस्कार हुआ बेटी। देखो भाई एक फौजी की राह देखते रहे बेचारा इतनी दूर से आया अपनी बेटी के लिए पता लगा जब ही चले आए वहाँ से और ये परिवार वहीं कोई रिश्तेदारी थी उसी गाँव में रुके एक दिन गए और वो थे भी फिर अड़े रहे दो दिन में एक भी कितने कोई कितने पुलिस बने कितने कोई कहाँ पड़े रहे कोई कहाँ सब परिवार में पहुँच गए सारे सर इतना भी थे सब। देख सको भाई एक माँ की आत्मा दो दिन तक कैसे उसके पास बैठे रहे और तीसरे दिन जाकर अंतिम संस्कार होया बेटी का और तो देखो भाई क्या क्या देखा गया है कितना दुख सहा है इस माँ ने और एक फौजी की पत्नी कैसे बच्चों को पालती है। कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखना भाई अपनी अपनी राय लिखना और मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती हालांकि लेकिन जो इन्होंने बताया है वही हमने आपको दिखाया है।